मेरे आका का चेहरा वेखी जाता मेरे आका के चेहरे वाल वेख के कहते ने मता पर शान वाला आ गया ने मता पर शान वाला आ गया ने मता पर शान वाला सबनों सीने लौन वाला आ गया सबनों सीने लौन वाला सबनों सीने लौन वाला आ गया आ गया। अल्लाह अकबर कमली वाले दे प्यारे गुलामों इस बाबे ना आखिरी वेला आ गया। सारी जिंदगी ने हजूर दी चौखट ते गुजार दी कमली वालिया जे कदे अज आवे ना ते मेरी मौत ते फरिश्ते भी नाज करनगे मेरी मौत ते फरिश्ते भी नाज करनगे। इन्हां सोचे ते हुजूर कमरे विचों बाहर आए क्यों फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं के खैरुल बशर को खबर ना हो। हजूर फरमान ने मेरे गुलाम नु कंडा बाद विच लगदा ते मैं पहले बाखबर हो जाना मैनू तकलीफ पहले हो जाती। मेरे आका टुरे टुरे करीब आए तो बाबे दा सर अपनी गोदी विच हजूर ने रखिया हजूर ने बाबे दा सिर अपनी गोदी विच रखिया। अल्लाह अकबर कमली वाले दे प्यारे गुलाम मेरे आका फरमान लगे बाबा की प्या सोचना है ते बाबा मेरे आका वाल वेख के कहना कमली वाले आओ मैं सारी जिंदगी तेरे दरवाजे ते गुजार दी आओ। मेरे आका फरमाया बाबा मंग के वेख की मंगना होई ते बाबा रो के कहना कमली वाले आ मैं जदों मैं सुनया कबर विच हनेरा बड़ा होना है कबर विच गर्मी बड़ी होनी है। मेरे आका फरमाया बाबा जड़ा मुहम्मद दा नौकर होवेगा उन्हां दीआं कबरां विच हनेरे नहीं होणगे उन्हां दीआं जन्नत दा बाग होणगीआं। मेरे आका ने फरमाया बाबा होर मग की मंगना होई ते बाबा मेरे आका वल वेख के कहिंदा कमली वालिआ मेरा दिल करदा जदों कयामत दा दिहाड़ा आवे सूरज जवाने जिते आ जाएगा कमली वाले आ जमीन तांबे वांग तपदी होवेगी कमली वाले आ लोग अपने पसीने दे अंदर डुबदे होणगे कमली वाले आ दोजखी दोजख वल जांदे होणगे जन्नती जन्नत वल जांदे होणगे। मेरा दिल करदा जिथे जन्नत विच तू होवे ओथे मैं मेरा दिल करदा होए जिथे जन्नत विच तुसी होवो ओथे मैं होवां। मेरे आका फरमाया बाबा ओ जा की याद करेगा के कमली वाले लाल नाल आईयां सी अजर कोई नहीं मिलिया। मेरे आका फरमाया बाबा मेरा तेरे नाल वादा रहा कयामत वाले दिन जिथे जन्नत विच मैं होवांगा ओथे तू जद रूह निकली ना तो हजूर मियां साहब का कलम उठा आर वेखड़ी हजूर मियां साहब ने रंग पेश किया बाबा जानी बारे की कह के गया होना। अल्लाह अकबर कमली वाले दे प्यारे गुलाम आर वेखड़ी हुजूर मियां साहब फरमांदे ने बाबा रो के कहंदा लै ओ सजना लै ओ सजना ए हवाले रब दे जिदड़ी जान भी तेरी जीदा मालिक तू यो
ते शर्म रखी हुण मेरी। मैं को जी दा मालिक तुयों अते शर्म रखी हुण मेरी। जियो तो ऐसे जियो कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे मरो कि दुश्मन भी सलाम करे। कमली वाले दे प्यारे गुलामो, मिलाद शरीफ दे पेंडे पै जाइए ते मेरे साईं दे जोड़े नहीं खराते रातां दरकार ने। बरहाल इसे ते इत्तेफाक करदे आं, आखिर ते मिलाद दा पैगाम जरूर लेके जाया जे। असीं इक नारा लाने आं, मोहब्बत ए मुस्तफा में मौत भी कबूल। ए, 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 उम्मत घाटे विच क्यों जा रही, खसारे विच क्यों जा रही? असीं एक नारा लाने हैं जी, मोहब्बत मुस्तफा में मौत भी कबूल है। अज दा आशिक मोहब्बत मुस्तफा विच मौत ते कबूल कीती बैठा है, ते नमाज किन्ने कबूल करनी सी? उम्मत दे खसारे दी वजह है कि असीं बेनमाजी हैं। जेड़ा बंदा आखे के गुलामी मुस्तफा में मौत कबूल है ते नमाज दे नेड़े ना जाए, वो बंदा झूठा जे झूठ बोलदा है। क्योंकि गुलामी मुस्तफा दा पहला तकाजा ही है कि बंदा नमाजी बन जाए। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला फरमांदे ने, रोज महशर के जां गुदाज बवद अवली पुरुषश नमाज बवद। आप फरमांदे ने कयामत वाले दिन जब जान पिघलन वाली होएगी, बंदे अपने पसीने दे अंदर डुबदे होंगे, जमीन तांबे वांग तपदी होएगी, सूरज सवा नेजे ते आ जाएगा। कयामत वाले दिन रब पहला सवाल बंदियां को पूछेगा, हां नमाज पढ़ी के कोई नहीं? ते ईमानदारी नाल दसो, जे बंदा पहले सवाल च ही फस गया ते अगे की बनेगा? अगे की बनेगा? उत्थे झूठियां गवाहियां ते चलदियां कोई नहीं, उत्थे ते मियां पाई पाई दा हिसाब देना पैणा है। तुसी सोच रहे होगे गल्लां कौड़ियां जरूर ने पर सच्चियां ने। मुसलमाना दा मल्ला है ते कारी साहब ने अजान दी, अजान दे के ना 15 मिनट कारी साहब इंतजार करदे ने कोई आवे आ ते जमात कराईए। कुंड चुक के साया पुछ लेना दस राता किथे गुजारियां नी बाग विच जद खिजाने वाल खोले ओ पक्षी उड़ गए मार उड़ारियां बाग विच जद खिजाने वाल खोले पक्षी उड़ गए मार उड़ारियां। कमली वाले दे प्यारे गुलामो तवज्जो तलब बात है, अगर चाहना है कब्र सोनी होवे, हशर सोना होवे, मेरे आका दी गुलामी विच पंज वक्त दा नमाजी बन जा, हशर भी सोना कब्र भी सोनी। कमली वाले दे प्यारे गुलामो, उम्मत दे खसारे दी की वजह, उम्मत घाटे विच क्यों जा रही? एदी मेन वजह है कि साडी दीन तो दूरी है। सानू कुरान पढ़न वाला बंदा चंगा नहीं लगना, सानू दाढ़ी वाला बंदा चंगा नहीं लगना, जेड़ा जनाबे वाला हदीस बयान करे सानू बंदा चंगा नहीं लगना। सानू चंगे लगने ने कंजर ते डाकू ते लुटेरे, साडी दीन तो दूरी हो गई, उम्मत खसारे विच आ गई। एक वक्त ऐसी मस्जिदां कच्चियां सन, नमाजी पक्के सन, जेड़ी मां सुबह उठ के कुरान दी तिलावत करन वाली सी, बाप उठ के कुरान दी ज़ियारत करन वाला सी, दीन भी आबाद सी, लोग भी आबाद सी। कमली वाले दे प्यारे गुलामो, जिन्ने असी दीन तो दूर हो गए, रब ने उन्हीं मुसीबतां साडे ते मुसन्नत कर दित्तियां। अगर दर्श कुरान हमने बुलाया ना होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। छाड़े दामन में जनाबे वाला मोबाइल आ गया, अंग्रेजी की किताब आ गई, छाड़े दामन में कुरान अलमारी में चला गया, अलमारी में इंज गया कि जनाबे वाला महीने गुजर जाते ने कुरान हाथ लाने की तौफीक नहीं होती। ते फिर बंदा परेशानियां बड़ियां आ गईयां ते बच्चे अदब नहीं करदे, किवें करनगे जदों बच्चों तो कुरान सिखाया ही नहीं। हाँ जी, ए जिहड़ी अमलां वाली चादर जिहड़ी रब ने चिट्टी बनाई सी, इहदे जदों तू अंग्रेजियां दे गुनाह ते जनाबे वाला गुनाहां दे दब्बे लगा दिते, उत्थे नूर नूर कैसे? ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਲਵੇ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਕਿਤੇ? ਤੂੰ ਆਦੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਤੇ, ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਕਿਤੇ? ਤੂੰ ਆਜਾ ਪੜ,
अल्लाह हू अकबर। कमली वाले दे प्यारे गुलामा सानू दीनदार बंदा चंगा ही लगदा, असी ते ऐसे लोग हां यकीन करो जेदे पिछे असी नमाज पढ़ने सानू वो भी चंगा नहीं लगदा। ओ एक बंदा मैनू कहण लगा जी इमाम ते विचारे हुंदे ने, इमाम ते विचारे हुंदे ने। मैं आखा इमाम उस मल्ले दा विचारा विचारा हुंदा है जिहदे नमाजी बेगैरत हुंदा। इमाम उथों दा विचारा होएगा जिहदे नमाजी बेगैरत होण। गैरत वालियां दा इमाम हमेशा जनाबे वाला विचारा नहीं हुंदा, कौम दा सरदार हुंदा है। ओ मियां इह मुसल्ला जिहदे ते हजूर ने नमाज पढ़ाई है, कुछ बंदे जिन्हां दी घरे ना चलदी ओह वी आके मल्ले विच आ गए कर जाओ कर साहब तू मस्जिद दी सब डिंगी पई आ जे अज दरवाजा नहीं ओह चलिया। इमाम तेरियां जुत्तियां ते इमाम तेरियां शफा ठीक करन वास्ते नहीं आया, ओह इमाम ते आया मुसल्ले रसूल वास्ते। तुसीं ओनू कमी बना के रख छड्या। कारी अकरम साहब यकीन करो मैं मिंबर रसूल ते बैठा, मैनूं एक दिन बड़ी तकलीफ होई। मैं एक पिंड तकरीर करन गया ते उत्थे दा इक चौधरी मेरे सामने आके बैठ गया, कहिंदा जी सानूं ते इमाम ओह चाहिदा जिहड़ा साडी भेड़ा भी चरावे। साडा जनाबे वाला एक चौकीदार होवे, असीं उहनूं 25,000 तनखाह दिंदे ते इज्जत नाल करने आ, ते जिहड़ा पंज वक्त अल्लाह अकबर दी सदा दिंदा तैनूं ओहदी कदर कोई नहीं। चलिया इहदी कदर कर, इही होए जिहने तेरा निकाह भी पढ़ाना, जिहने तेरा जनाजा भी पढ़ाना। पिछले दिनों की बात है, पिछले दिन एक बंदा सी, ओहदा वालिद फौत हो गया ते पैसे वाला सी, अंग्रेजियां पढ़ाए ते किताबां